स्टोरी का नाम है जादुई नारियल का पेड़। यह कहानी एक अनोखे नारियल के पेड़ की है, जिसके पत्ते सुनहरे थे और उस पे रंग बिरंगी चिड़ियां बैठा करती थी। खास बात तो यह थी कि इस नारियल के पेड़ में तीन जादुई नारियल थे। एक नारियल के पानी से किसी को भी ठीक किया जा सकता था और दूसरे नारियल से किसी की भी इच्छा पूरी की जा सकती थी। तीसरे नारियल में जहर था, जिसको पीने से इंसान की मृत्यु हो जाती है। इस नारियल के पेड़ पे रहने वाली सुनहरी चिड़िया को ही इस बात का पता था और किसी को भी नहीं। वहाँ एक बच्चा अपने दोस्तों के साथ खेलने आता। उसे वह पेड़ बहुत पसंद था, इसलिए वह रोज पानी देता और चिड़ियों के लिए दाना लाता और खड़े होकर पेड़ों से बातें करता। बच्चे और चिड़िया में गहरी दोस्ती हो गई। वह ढेर सारी बातें करने लगे। बच्चा एक दिन चिड़िया से पूछा कि यह पेड़ इतना अलग क्यों है और आप इतनी सुनहरी क्यों हैं? चिड़िया बोली, मैं इसी पेड़ पर पैदा हुई हूँ, इसीलिए मेरा रंग इसी के जैसा है और एक जैसा रंग होने के कारण शिकारी मेरा शिकार नहीं कर पाता है। एक दिन बच्चा बहुत उदास था। चिड़िया ने पूछा, क्या हुआ दोस्त, सब ठीक है ना? बच्चा बोला, मेरी माँ बहुत ही बीमार है। वह दूर से पानी लाती है, फिर जंगलों से लकड़ी लाती है, फिर खाना पकाती है और उसे आराम करने का भी वक्त नहीं मिलता। मैं बहुत छोटा हूँ ना, इसीलिए मैं उनकी मदद भी नहीं कर पाता हूँ। चिड़िया बोली, दोस्त तुम उदास मत हो, मैं तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ, पर तुम वादा करो तुम किसी को नहीं बताओगे। बच्चा बोला, पक्का वादा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। चिड़िया बोली, इस पेड़ पे तीन जादुई नारियल हैं। अगर तुम इसमें से एक नारियल जिसमें जहर नहीं है, अगर वो तुम खा पाओगे तो तुम्हारी परेशानी हल हो जाएगी। चिड़िया ने नारियल के पाने का जुगाड़ बताया। अगले दिन सुबह सुबह बच्चा आया और वैसे ही किया जैसे चिड़िया ने बोला था। नारियल के पेड़ से एक नारियल गिरा और उस बच्चे ने उस नारियल को घर ले आया। लड़के ने माँ को नारियल वाले पानी से थोड़ा सा पानी पिलाया और देखते देखते माँ बिल्कुल स्वस्थ हो गई। माँ को बहुत ही हैरानी हुई और बच्चे ने और भी गरीबों की मदद की और किसी से पैसे नहीं लिए। देखते देखते बच्चा बहुत ही प्रसिद्ध हो गया। एक वेद ने यह बात सुनी तो वह एक गरीब बनके उसका चमत्कार देखने आया। बच्चे ने नारियल के पानी में से थोड़ा सा पानी दिया और वेद बिल्कुल ताकतवर हो गया। उसे लगा कि इस नारियल के पानी में जरूर कोई जादू है, इसीलिए वेद ने बच्चे को लालच दिया और कहा कि ये नारियल मुझे दे दो। बच्चे ने मना कर दिया। वेद ने बच्चे की माँ को कैद कर लिया। बच्चा रोने लगा, तभी उसे दूसरे नारियल की बात याद आई। उसने जादुई नारियल से अपनी माँ का पता पूछा और बोला कि मुझे अपनी माँ के पास पहुँचा दो। जादुई नारियल ने उड़ने वाली चटाई मांगी, उस पर बच्चे को बिठा के बच्चा उड़ के अपनी माँ के पास पहुँच गया। वह बहुत ही हिम्मत से अपनी माँ को छुड़ा कर लेके आया। वेद को हार बर्दाश्त नहीं हुई, इसीलिए जादुई नारियल का रहस्य जानने के लिए वेद बच्चे का पीछा करने लगा। एक दिन उसका पीछे पीछे सुनहरे नारियल के पेड़ के पास पहुंच गया। उसने सोचा, अब तो मैं पेड़ पे चढ़ के सभी नारियल तोड़ लूंगा। एक दिन वह बड़ी सी सीढ़ी लाया और नारियल के पेड़ से लगाया और नारियल के पेड़ से लगते ही उस सीढ़ी में आग लग गई। सीढ़ी जल के खाक हो गई और वेद थोड़ा सा डर गया। फिर उसने नारियल के पेड़ से बोला, मैं एक वेद हूँ और इस नारियल से सबका उपकार करूँगा। लेकिन पेड़ उसके लालच को समझ गया और उसने दो नारियल गिराए, जिसमें एक में जहर था। अपने गांव आया और उसने अपने गांव और आसपास के गांव में खबर फैला दी कि वह किसी भी बीमार आदमी को ठीक कर सकता है। उसके बाद उसके घर के आगे लाइन लग गई। वेद सबसे पैसे लेता और थोड़ा सा नारियल का पानी देता। गरीब लोग बहुत ही परेशान हो गए। वेद सिर्फ अमीर आदमी को देखता था। तभी अच्छे नारियल में पानी खत्म हो गया। वेद ने सोचा, दूसरे नारियल में भी अच्छा ही पानी होगा। वेद ने
जैसे ही मरीजों को वो पानी पिलाया, लोग मरने लगे और लोग बहुत ही गुस्सा होने लगे। सभी लोगों ने मिलकर वेद की पिटाई कर दी। भाग के सभी लोग बच्चे के पास आए। बच्चे ने नारियल से प्रार्थना की कि वह सभी लोगों को जीवित कर दे। प्रार्थना करने के बाद सभी लोग जीवित हो गए और बच्चे की जय जयकार करने लगे। जादुई नारियल का एक रहस्य ये भी था कि वह सच्चे मन वालों की सहायता करता है, जो सिर्फ बच्चों का होता है। बच्चे ने सभी नारियल वापस पेड़ को दे दिए और वह अपनी पढ़ाई करने लगा। आप सभी को ये स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।